हेलो गाइस, मैं चुका न्यू वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ गाइस, तुम लोग अपनी एबिलिटी जल्दी से कैसे मैक्स कर सकते हो। ये गाइड वीडियो होने वाली है गाइस ब्लैक स्मिथ के ऊपर और एबिलिटीज़ को लेके। तो गाइस देख लो, मैं हूँ टाउन हॉल 14 और मैं टाउन हॉल 14 पे यूज़ कर रहा हूँ ये एबिलिटीज़। देख लो, यहाँ पे जाइंट कॉन्क्लेट एंड रेज वाइल, यहाँ पे फ्रोजन एरो है एंड इनविजिबिलिटी वाइल है, यहाँ पे रेज जैम है, डिफॉल्ट वार्डन की एबिलिटी है गाइस यहाँ पे, और देख लो रॉयल जैम है एंड हॉक पपेट है। तो गाइस मैंने इनमें से सारी एबिलिटी मैक्स है, बस भाई रॉयल जैम मैक्स नहीं है क्योंकि मेरे को है ना अपना उस पर ध्यान देना नहीं है, क्योंकि भाई मैं है ना हिस्ट वाइल पे यूज़ करूँगा अपने रिसोर्सेज। और मैंने कोई से भी अभी यूज़ नहीं करे हैं भाई, अपग्रेड नहीं करे हैं एबिलिटी, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं अपने भाई जो हीरो के मैं यूज़ करता हूँ मैं उन्हें ही मैक्स करता हूँ। तो गाइस फर्स्ट पॉइंट है वार्डन का, ठीक है। तुम लोगों को अगर है ना सबसे जल्दी अगर मैक्स करना है किसी हीरो की एबिलिटी तो वार्डन की करो, क्योंकि भाई वार्डन एक ऐसा ट्रूप है जो तुम्हारी आर्मी को भी सपोर्ट करता है और सबसे ज़्यादा हेल्पफुल ट्रूप है गाइस ये वाला, ठीक है। तो तुम लोग है ना वार्डन की एबिलिटी सबसे पहले मैक्स करो। सेकंड है गाइस, तुम है ना क्वीन की एबिलिटी उठाओ, अगर तुम क्वीन चार्ज करते हो या कुछ भी करते हो तो गाइस क्वीन को पकड़ो, क्योंकि क्वीन का भाई इनविजिबिलिटी वाइल है ना, उसका भाई डैमेज बढ़ जाता है अगर तुम उसे मैक्स कर लेते हो। एंड फ्रोजन एरो भी भाई बहुत अच्छा काम करता है, दोनों कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं, तो गाइस क्वीन को मैक्स करो भाई। थर्ड वाला है गाइस, तुम रॉयल चैंपियन को पकड़ो, उसका हॉक पपेट गाइस क्या ही है, ओपी भाई एबिलिटी है हॉक पपेट, क्योंकि भाई TS-16 के हॉक निकलते हैं 9 वो भी। और हॉक पपेट यूज करने का एक और फायदा है गाइस कि एक सेकंड के लिए तुम्हारी आरसी इनविजिबल हो जाती है, और अगर तुमने रॉयल जम यूज कर रखा है मतलब एबिलिटी में लगा रखा है तो गाइस तुम्हारी फुल हेल्थ हो जाएगी, और सिंगल इन्फर्नो ने अगर पकड़ रखा है तुम्हारी आरसी को तो हॉक टेक डाउन कर देंगे और तुम्हारी आरसी फिर से बैटल ज्वाइन कर सकती है फुल हेल्थ के साथ। तो गाइस बताओ ये कैसे लगा, मेरा वाला ओपिनियन, ठीक है। और दूसरी चीज गाइस, मैं ये रिकमेंड करता हूँ गाइस तुम्हें हॉक पपेट मैक्स करना चाहिए, मेरे रिकमेंडेशन पे, ठीक है। मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद है भाई ये वाला, अगर तुम्हें भी अच्छा लगता है तो तुम लोग मैक्स कर सकते हो। फिर तुम लास्ट में तुम अपने किंग पे ध्यान दे सकते हो, और किंग का जाइंट गॉन्टलेट या रेज वाइल या तुम स्पाइकी वॉल जो भी है गाइस तुम्हारा ही रिकमेंड तुम यूज कर सकते हो। मेरे को तो भाई जाइंट गॉन्टलेट एंड रेज वाइल ज्यादा अच्छा लगता है, मैं उन्हें ही प्रेफर करता हूँ, सब लोग को भी बोलता हूँ अपने क्लैन में वही सही है क्योंकि मुझे लगता है, और अपनी अपनी अलग आर्मी कॉम्बिनेशन है गाइस उसके संग तुम यूज कर सकते हो। तो गाइस मैंने ये बता दिया कि कैसे कैसे पहले कौन सी एबिलिटी मैक्स करनी है कौन सी नहीं। अब चलते अपन सेकंड पॉइंट पे गाइस, तुम सबसे ज्यादा तुम्हें हॉर्स चाहिए होते हैं मैक्स करने के लिए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा लीक होती है, यहाँ पे देखो सारी लीक है। टाइटन पे तुम्हें सबसे सही मिलता है Titan 1 पे, एंड उसके बाद तुम्हें मिलता है लेजेंड पे, एक दो ही मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता। तो गाइस यहाँ पे मैं तुम लोगों के लिए एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, वो देखो गाइस यहाँ पे, ये देख लो। तो गाइस क्रिस्टल एंड मास्टर पे तो ज्यादा सही नहीं है, चैंपियन पे भी नहीं है, अगर तुम टाइटन पे हो गाइस टाइटन पे सबसे सही मिलता है गाइस Titan 1 पे, एंड लेजेंड पे 3 ज्यादा मिलता है तो उससे फर्क नहीं पड़ता। टाइटन पे आओ गाइस, टाइटन पे सबसे ज्यादा ओर्स मिलेंगे और तुम जल्दी जल्दी मैक्स कर सकते हो, और तुम शॉप से भी ले सकते हो गाइस, रेड मेडल से ले सकते हो। यहाँ पे देख लो, तुम 2 बार रेड मेडल से ले सकते हो गाइस इजीली, ग्लोई और साइनी ओर्स भी ले सकते हो। साइनी का तो ज्यादा काम नहीं है, स्टारी लेना गाइस, स्टारी एंड ग्लोई लेना, और उसके बाद तुम जेम से भी ले सकते हो। तो मैं हमेशा है ना COC का शॉप है ना जो ऑफिशियल वाला, उस पर जाके तुम है ना वीकेंड पे एक बार 100 जेम्स लेके यहाँ से ये वाला भी परचेज कर सकते हो पैक, ठीक है। और यहाँ पे भी सुपर इवेंट आया है गाइस सुपर ट्रूप का, तो ये देख लो यहाँ से भी तुम ले सकते हो गाइस, अपना एक रॉकेट स्पेयर लेने के बाद यहाँ से तुम परचेज कर लेना, अगर तुम्हें बुक्स नहीं चाहिए कोई सी तो। मैंने अपने कंप्लीट कर लिया है गाइस, और मेरे को अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इनकी, क्योंकि भाई मेरी एबिलिटी सारी मैक्स हो चुकी है, मैं टाउन हॉल 15 पे ज़्यादा लूँगा। और अगर तुम भाई अगर इवेंट पास खरीदते हो तो क्या ही कहने, तुम्हारा बहुत जल्दी मैक्स होने वाला है। और वॉर में भी मिलता है गाइस, अगर तुम वॉर में देखोगे, तुम अगर प्रीवियस वॉर देखोगे यहाँ खेलते हो, मैं दिखा दूँ एक सेकेंड, यहाँ पे नहीं यार, यहाँ पे नहीं दिख रहा, ओके लगता है वॉर का यहाँ पे नहीं दिखता, मे बी दूसरे साइड दिखेगा, अपने वॉल लॉग में जाके देखते हैं गाइस, यहाँ पे भी नहीं दिखा रहा लॉल। तो गाइस यहाँ पे आप लोग वॉर खेल रहे तो अपने वॉर में देखना गाइस, लूट के साइड में नीचे ही दिख जाता है कि कितने मिलता है कितने नहीं। तो डेली वॉर खेलो और अटैक्स करो टाइम टू टाइम स्टार बोनस से, और जल्दी से तुम लोगों को हो जाएगा हीरो इक्विपमेंट मैक्स। तो बताओ गाइस गाइड कैसी लगी जो मैंने दिया, और TH-15 की गाइड वीडियो आने वाली है, तो अगर तुम्हें वो वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भाई ऑन कर लेना, ठीक है। और लाइक एंड कमेंट भी करना, वीडियो बताना, ठीक है। मेरे ज़्यादा कुछ तो मैक्स सारा मैक्स है भाई, बस पैट ज़्यादा मैक्स नहीं है मेरा, इलेक्ट्रो आउलैंड यूनिकॉर्न मैंने मैक्स किया है क्योंकि मैं वही दोनों यूज़ करूँगा, और आगे के टाउन हॉल 15 वाले ज़्यादा अच्छे पैट है तो मैं उन्हें मैक्स करके यूज़ करूँगा। तो गाइस ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताओ जल्दी कमेंट में, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे। बाय बाय गाइस।